तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे और क्यों नोकिया फेल हुआ। 1865 फिनलैंड में नोकिया एस्टेब्लिश हुआ था। मोबीरा नाम की टेलीफोनिक कंपनी को इन्होंने सबसे पहले खरीदा था जिसने इनके हैंडसेट टेलीकॉम डिवाइस की तैयारी करी थी। 1982 में फर्स्ट कार फोन नोकिया मोबीरा सेनेटर डिवाइस लॉन्च किया था जो 10 किलो का था। 1984 में मोबीरा टॉकमैन बनाया था जो पहले ट्रांसपोर्टेबल फोन था जो 5 kg का था। 1987 में नोकिया ने मोबीरा सिटी मैन के नाम से बनाया जो पूरे शहर में चल सकता था जिसका वजन 800 ग्राम था। इसकी सेल्स एकदम तेजी से बढ़ गई। 1991 में फिनलैंड के पीएम हैरी होलकेरी पहले व्यक्ति हुए जिसने पहले जीएसएम कॉल किया नोकिया के फोन से। 1992 में नोकिया ने 1011 हैंडसेट लॉन्च किया और यूएस की मार्केट में फैलने लगे। उसके बाद 1994 में नोकिया 2100 सीरीज लॉन्च करी। उन्हें लगता था कि 400,000 फोन ही सेल होंगे पर उन्होंने 2 करोड़ फोन सेल करे। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ग्रो हो रहा था। इसी को कहते हैं मार्केट को समझना, उसकी नीड क्या है, एडॉप्शन कर्व को समझना। 1992 में नोकिया ने प्रिडिक्ट किया था कि 99 तक 40 मिलियन हैंडसेट का इंडस्ट्री होगा मार्केट में। जैसे ही नोकिया ने प्रिडिक्ट किया तभी मार्केट साइज ही बड़ा हो गया। वो लोग 40 मिलियन सोच रहे थे, वहाँ 250 मिलियन हैंडसेट का मार्केट बन गया था। और यहाँ नोकिया ने मोटोरोला को बीट करके 25% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और डोमिनेट किया। और धीरे धीरे सारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया में भी छा गए। और इधर से नोकिया नई सीरीज लेके आया जिसे 50 मोस्ट सेलिंग हैंडसेट जो थे उसमें से टॉप 20 नोकिया के होते थे। 2003 और 5 में नोकिया ने 1100 और 1110 लॉन्च किए थे। 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। नोकिया कंपनी बड़ी हो गई लेकिन उसके पीछे और सारी कंपनी थी जो आने वाली थी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इंटेक्स, जियोनी एक्सेट्रा। अब यूरोप और अमेरिका में एंड्रॉइड की एंट्री हो गई, उधर से ये नीचे होने लगे लेकिन एशियन मार्केट में स्टेबल था। अब जन्म हो गया गूगल और एप्पल का और नोकिया 30% गिरना स्टार्ट हुआ। और एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटोरोला एक ने 40 और एक ने 50 मॉडल फ्लिप फ्लॉप मोबाइल के बनाए जिससे लोगों को ये नए लगे। नोकिया को जल्दी से चेंज लाने में दिक्कत आ रही थी और इधर भी उनका मार्केट से हाथ छूट रहा था। अमेरिका और यूरोप में गूगल और एप्पल और एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटोरोला। रिमेम्बर एवरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। नोकिया के पास हाई एंड रेंज में फोन्स तो थे लेकिन वो टाइम पे बना नहीं पाते थे और मिड रेंज में एंड्रॉइड आ गया, लो रेंज में चाइना आ गया था। गूगल और एप्पल आने के बाद नोकिया को एक बात समझ नहीं आई कि इंडस्ट्री अब हार्डवेयर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की हो रही थी। नोकिया अपनी हार्डवेयर की स्ट्रेंथ पर चल रहा था। 2010 में एप्पल बहुत इवॉल्व हो चुका था, उनके पास 300,000 एप्लीकेशन आ चुकी थी जहाँ गूगल एंड्रॉइड के पास 1.25 लाख एप्लीकेशन आ चुकी थी। जहाँ नोकिया सिम्बिया को लेके चिपका हुआ था उनके पास 20,000 मोबाइल ऐप नहीं थी। यहाँ पे गड़बड़ हुई, सारे मोबाइल मेकर्स एंड्रॉइड पे शिफ्ट हुए जहाँ वो लोग मोबाइल ऐप बना सकते हैं और हैंडसेट मेकर्स अपना ज्यादा दिमाग ना लगाकर एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो गए और एक कम्युनिटी बन गई। इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी को इकोसिस्टम कहते हैं। उधर नोकिया सिम्बिया को नहीं छोड़ रहा था, बदले में उनके एम्प्लॉइज को निकाल रहे थे। और इतने में 2010 के एंडिंग में नोकिया को लगा उनके सीईओ ठीक नहीं है। उन्होंने सीईओ बदले जिनका नाम था स्टेफन एलो। उन्होंने कहा बदलाव लाना पड़ेगा, तो नोकिया ने बाउंस बैक करने का सोचा कि हम आगे बढ़ जाएंगे। इस बार जब आगे बढ़े तो फिर और एक बड़ी गलती हुई। वो दिन था जिसने बर्बादी की नींव रखी। नोकिया भी गूगल से मिलने गए एंड्रॉइड यूज करने के लिए लेकिन उन्होंने सोचा कि हम भी बाकी के जैसे एंड्रॉइड यूज करेंगे, हम एक ही भीड़ का हिस्सा लगेंगे। एंड्रॉइड के पास जाते जाते माइक्रोसॉफ्ट के पास चले गए लेकिन उनको पता नहीं था कि विंडोज पे कोई मोबाइल ऐप नहीं बना रहा था। विंडोज मोबाइल के लिए कंपेटिबल बना ही नहीं, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम बना ही नहीं पाया और उधर गूगल और बड़ा बनता गया। तो ऐसे ही गूगल और एप्पल बड़े होते गए और नोकिया को लोग भूल गए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फाइनेंस प्रो नाउ।